आप बताइए कितने आपने से मुझे एक भी बता सकते हैं कि जो वेस्ट से बिजली बनी हो, और कब से हम सुनते आ रहे हैं, 2000 से तो मैं सुनती आ रही हूँ कि बिजली बनेगी, कुएं से बिजली बनेगी, कुएं से कहीं कुछ नजर नहीं आता है। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट हो या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, इसका एक पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। आपको पता नहीं कितनों को मालूम हुआ आज बायोमेडिकल वेस्ट का क्या हो रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट लखनऊ से जाता है, पेरिफेरी में एक जगह जाता है, वहाँ डिस्पोजल होता है, और वो पहले कहा गया था कि नगर निगम करेगा। नगर निगम ने तो अपनी दे वॉश देयर हेड्स ऑफ बिकॉज दे कुड नॉट मैनेज इट, दे कुड नॉट इमेजिन एंड न्यू हाउ टू डिस्पोज ऑफ दिस बायोमेडिकल वेस्ट। और जिस प्राइवेट कंपनी को दिया वो पेरिफेरी पे ले जाके उसका जैसा भी निस्तारण करते, कोई जानता भी नहीं। तो हम ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मेयर को लाइए और सब पार्षद दिखलाइए, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, उसका हम पुख्ता इंतजाम करेंगे। और जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले कहा था कि गोमती साफ होनी चाहिए, गोमती साफ होगी तो प्योर पानी, पीने वाला पानी मिलेगा। आज क्या हालत है आप देखिए, कब से सफाई हो रही है, कितने सालों से आप सुनते आ रहे हैं कि गंगा जमुना गोमती साफ हो रही है। कोई साफ हुई, कितना पैसा खर्च किया गया, कहीं कोई सफाई देती दिखाई देती है ना। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी की मेयर आए, जनता चाहती है कि यहाँ के पार्षद जीते, जिससे यहाँ की सुविधाएं इम्प्रूव करें, और जो विजन मिशन माननीय अखिलेश यादव जी का है वो जमीन पर दिखाई दे। अभी सिर्फ जुमलों में है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी उसको धरातल पे उठाना चाहते हैं। अब लिस्ट तो बहुत बड़ी है चीज़ों की, आप क्योंकि हम ये चाहते हैं कि